दोस्तों, आइए आज बनाते हैं बैंगन की सब्जी बिल्कुल अलग ढंग से। इसके लिए मैंने 400 ग्राम बैंगन लिया है, जिसे धोकर और मैंने ट्रायंगल शेप में काट लिया है। 3 मीडियम साइज प्याज है, जिसे लेंथवाइज काट लिया है। यहाँ पर बघार के लिए जीरा, मेथी और दालचीनी है, ये भी 2 मीडियम साइज टमाटर है, 2 हरी मिर्च है और करी पत्ता है। अगर आप चाहें तो करी पत्ते की जगह धनिया की पत्ती भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पाउडर मसाले में 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम मिर्च पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक है। इमली भी इसमें डालना ज़रूरी है। आप चाहें तो इसमें हींग का इस्तेमाल करें, मगर मैंने छौंक में हींग का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें तैयार कर लेने के बाद आइए अब हम इसे बनाते हैं। मोटे तले की कढ़ाई में मैंने 3.5 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल गरम किया है। अब इसमें हमें सारे छौंक के चीज़ें डाल देनी है और जिन्हें पसंद हो वो यहीं पर हींग डाल सकते हैं। अब यहीं पर करी मिर्च डाल देना है, कटी हुई प्याज को डाल देना है। 1 मिनट तक इसे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाने देना है। अब यहाँ पर टमाटर डाल दें, साथ में जो हमने मसाले इकट्ठा किए थे वो भी इसमें मिला देना है। अब ऊपर से धुले और कटे हुए बैंगन को डाल देना है। फ्लेम मैंने मीडियम रखा हुआ है, अभी इसमें पूरी गर्मी आ जाने दें, उसके बाद हम फ्लेम को धीमा कर देंगे। इसमें अच्छी तरह से भाप आ चुकी है, तो यहाँ पर हम इसमें बस 1 चम्मच पानी डालेंगे ताकि अच्छी तरह से स्टीम बने, और इसे ढककर इतनी देर तक पकाना है कि ये गल जाए। और यहाँ पर फ्लेम हम मीडियम टू लो कर देंगे, बीच में ओकेजनली इसे चलाते रहना है, हिला लेना है। 4 मिनट के बाद मैंने ढक्कन खोला है, अब इसे पलट कर देखना है। इसी तरह से इसको हल्के हाथों से उलट पलट लेना है। अब इसे फिर से ढक देना है। अब पूरे 12 मिनट वक्त गुजर चुके हैं, तो आप देख सकते हैं सब्जी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बैंगन भी जल गया है। बहुत ही यमी बनती है इस तरह से सब्जी। हाँ, भले ही ये तरीका थोड़ा नया है और ये तरीका श्रीलंकन कुजीन से इंस्पायर्ड है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। और अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है और धीमे धीमे आंच पर पकते हुए लगभग 14 मिनट में ये इस शक्ल का हो चुका है, यानी हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर जिन लोगों को पसंद हो वो यहाँ पर थोड़ा सा गुड़ डाल लें, क्योंकि ये इस रेसिपी का खास हिस्सा है, और जिन्हें पसंद नहीं है वो इसे स्किप कर सकते हैं। थोड़ी देर में ये पिघल जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि गुड़ पिघल चुका है, इसे अच्छी तरह से मिला लें और देखिए ये यमी सी सब्जी आपकी रेडी हो चुकी है, किसी भी पूरी पराठे के साथ खाने के लिए या सादी चपाती के साथ खाने के लिए, सादे बॉयल्ड चावल के साथ खाने के लिए बहुत ही मज़ेदार होता है। तो इसे आप बनाएं, खाएं और खिलाएं, और अगर पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपने अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करें।